मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला विकास खंड तामिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुत्तौर के गोनाबाड़ी गांव में निर्मल सा नवरेती के साथ साथ सात किसानों को बिजली की पोल की समस्या होने के वजह से इन लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है, जो कि इन लोगों का स्थायी कनेक्शन होने के बावजूद भी इन लोगों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, क्या समस्याएं होती है भैया? सर, मेरे कुएं में लाइन खींचता हूँ तो बहुत दिक्कत जाता है मेरे को, ये झाड़ो झाड़ लाता हूँ और कभी कभी ये डार टूट जाते हैं तो वायर नीचे आ जाती, कभी झाड़ में लाइन करंट फैल जाता सर। तो आप लोग कितने दूर से लेके आते हैं बिजली? बिजली हम लाते हैं 600-700 फीट दूर से लेके आते हैं, लकड़ी गड़ा के लंबा लाते हैं बहुत दूर से, तो इसमें क्या है कि उरज जाते हैं गाय भैंस जो भी है, इसमें बहुत परेशानी होती है, तार टूट जाता है, कभी शॉर्ट होके जल जाता है वायर, तो हम फिर से वायर खरीद कर लाना पड़ता है, 2-3 हज़ार खरीद कर लाना पड़ता है। अच्छा, आपको आपके घर में क्या समस्या है, क्या कैसी दिक्कतें होती है आपको? दिक्कत तो बहुत होती है, कभी कभी लाइट नहीं रहे तो बच्चे की पढ़ाई नहीं होती, खेती की अनाज कुछ भी पानी देने की सोचते हैं लाइट नहीं रहती, फसल भी मरती है, बहुत से दिक्कत होती है हमें। कनेक्शन वगैरह कैसा क्या है, आप लोगों के पास कुआ है तो उसका क्या किए हैं आप? उसमें कनेक्शन तो करवा लिए हैं हमने, पर उसमें पोल नहीं है, हमको पोल चाहिए उसमें, और एक ट्रांसफार्म की समस्या है, ट्रांसफार्म भी लगना चाहिए। तो आगे आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पास पोल गड़ जाए, खम्भे आ जाए, हमारे पास कुएं तक की घर तक की लाइट आना चाहिए, यही चाहते हैं। चाहता हूं कि गुनावाड़ी गांव में जो बिजली की पोल की समस्या है, खम्भे की समस्या है, वहाँ पे पोल की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए और लाइन कनेक्शन की व्यवस्था भी की जाए, ताकि गोनावाड़ी गांव के लोगों को ज़्यादा दिक्कत व परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करूंगा कि आप हमारे तामिया ब्लॉक के विद्युत मंडल बीपी पाटिल जी का मोबाइल नंबर 9425806723 में बात करके उन पर दबाव बनाएं, ताकि गोनावाड़ी गाँव में जल्द से जल्द बदलाव हो सके। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले से मैं राजू परतेती, इंडिया अनहर्ट के लिए।